दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे यहाँ जब धान की कटाई होती है तो इसको धान को किस तरह तैयार किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा, ट्रैक्टर से इसकी तैयारी होती है। इसको हमारे यहाँ धान दोनी बोला जाता है। तो ये अभी खेत में लगने वाला है। कुछ दिनों पहले तक, बल्कि 2-3 साल पहले तक ये दरवाज़े पर आने के बाद में इसकी दोनी होती थी, लेकिन अब अक्सर लोग खेत में ही काट करके वहीं पर धान को इसको घास फूस से छुड़ा लेते हैं। यह भी ट्रैक्टर लगने वाला है, यहाँ पर लग चुका है, बल्कि ये स्टार्ट भी हो चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो है थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद इसमें धान को दे रहा हूँ। उसके हाथ में जो इसका ड्राइवर है, और इसको थ्रेसर बोला जाता है, आप लोग भी इसको जानते होंगे। तो इस तरह धान को अंदर में दिया जाता है और धान घास फूस से अलग होकर के घास फूस अलग निकलता है। इसको हमारे यहाँ पुआर बोला जाता है। और आपके इलाके में क्या बोला जाता है पता, ये तो पता नहीं, आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को नज़दीक से दिखाने वाला हूँ कि जब धान निकलता है तो वो कितना साफ़ सुथरा होकर के और कितना क्लियर होकर के निकलता है। पहले दोस्तों हमारे यहाँ दरवाज़े पर इसकी जब दोनी होती थी तो उस वक्त मशीन के ज़रिए और एक छोटा सा थ्रेसर होता था, उसके ज़रिए किया जाता था। लेकिन अभी उसका ज़माना ख़त्म हो रहा है और अभी ट्रैक्टर का ज़माना आ रहा है। अब तो हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीन होती है थ्रेसर दोनी करने के लिए, वो मशीन भी आने लगी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो है मशीन का, ये जो ट्रैक्टर का कितना मज़बूत इंजन लगा हुआ जो इसको चला रहा है। यहाँ पर इसका धान नीचे गिर रहा है और इसके साथ में जो भी कचरा मचरा होता है वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ से धान निकलते हुए मैं भी आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ से धान नीचे गिरता है, कितना साफ़ सुथरा होकर के, कितना क्लियर होकर के। और ये है थ्रेसर का पहिया। ये पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि इसके लिए सूटेबल हो सके। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो ट्रैक्टर से जो दोनी होती है, ये बहुत ही स्पीड के साथ में, बहुत ही जल्दी में ये दोनी हो जाती है इसके ज़रिए। ये आप देख सकते हैं कितना क्लियर है। मैं अभी आप लोगों को हाथ से उठाकर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कितना क्लियर आपको धान फ्रेश नज़र आ रहा है। और इस साइड से धान का वो हिस्सा निकलता है जो कि हमें नहीं चाहिए, जानवरों को खिलाने का चारा होता है, घास फूस, तो इधर से निकल जाता है और दूसरे साइड से धान निकलता है। मैं आप लोगों को और भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दूर से। आप देख सकते हैं धान जो है यहाँ पर घास फूस कितना तेज़ी के साथ निकल रहा है और जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा ढेर लग गया है। यहाँ पर जो काम करते हैं दोस्तों, उन लोगों को मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्द गुबार उठता है, इसकी वजह से नाक में जाने से आपको जो है तबीयत ख़राब हो सकती है, सर्दी खांसी भी हो सकती है। दोस्तों ये कि व्लॉग चैनल है और इस पर मैं अपने गांव से रिलेटेड ही वीडियो अभी दिखा रहा हूँ। ये वीडियो मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए शेयर करता हूँ जो गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं वो गांव की एक्टिविटीज़ को देखना पसंद करते हैं कि गांव में लोग किस तरह काम करते हैं, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसको शहर के लोग बहुत शौक़ से देखना पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये मशीन बंद हो गई है क्योंकि काम तमाम हो चुका है। मैं आप लोग अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर देखते हैं किस तरह स्पीड के साथ में घूम रहा है। अगर इसमें हाथ है गलती से अंदर चला जाए तो हाथ ही को तोड़ देता है दोस्तों। इस तरह एक्सीडेंट हो चुका है कई मरतबा इसमें, जब गलती से अगर इसके अंदर हाथ अगर चला गया तो हाथ आपका बेकार ही चला जाएगा, वो हाथ झटक लेता है। और यहाँ पर कुछ लोग इस इंतज़ार में खड़े हैं कि जब यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा तो इस ट्रैक्टर को अपने साथ में लेकर जाएंगे और अपना काम कराएंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।